हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ व्लॉग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिया है प्लेस्टेशन 5 और इसको किया मैंने अपने आपको गिफ्ट। काफी टाइम से इसका वेट चल रहा था और फाइनली मुझे मिल ही गया। वन वीक से मैं इसकी तलाश में था और मैंने काफी जगह इसको पूछा, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और फिर सोनी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पर मुझे फाइनली मिल गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। और मैं इसको लेके आया हूँ कल 13th February 2022। तो आप देख सकते हैं स्टिकर, ये कल ही आई थिंक इम्पोर्ट हुआ है और ये मैंने लिया है साउथएक्स क्रोमा स्टोर से। मैंने कभी प्लेस्टेशन यूज नहीं किया, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। तो मुझे इसके स्पेक्स वगैरह कुछ पता नहीं, मुझे अच्छा लगा और मैं ले आया क्योंकि मैंने इसे काफी रिव्यूज देखे थे यूट्यूब पे। यहाँ पे देखते हैं, मैंने खरीदा 49990, उसमें मैंने येस बैंक का 2000 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मुझे 47990 का पड़ा है। और ये देखो 10/2/2022 को आई थिंक इम्पोर्ट वगैरह हुआ है। गाइस चलो करते हैं इसको अनबॉक्स। एक मिनट, यहाँ से है इसकी सील एंड शी इज कोको माय सिस्टर। आपने देखा होगा पहले व्लॉग्स में, या अगर आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे इसको कोको, आप इसको प्लीज मुझे खोलने में हेल्प करो। नेल्स नहीं अब, कोई नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, खुलेगा, वेरी गुड। और ये भी खोलना है, शी इज माय सिस्टर। और ये आई है ऑस्ट्रेलिया से, बाबा मासी की बेटी। और बहुत ही जल्द आपको आने वाले ब्लॉग्स में एक सरप्राइज जो हमने प्लान किया हुआ था मासी ने हमारे लिए, भागी और मेरे लिए, आपको पता चलेगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो गाइस देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स और शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। खोलो, लेट्स सी, दिखाओ, निकालो उसको, निकालो, ओपन इट अप, या पुल दिस, पुल दिस, खींचो, ओह माय गॉड इतना हैवी है। तो गाइस कोको से नहीं खुल रहा है क्योंकि बहुत भारी है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा भारी है, बहुत। तो एक आज मैंने एक दोस्त से सीडी लिया डिट्रॉइट, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं मिलता है। तो देखते हैं ये सीडी मतलब कैसी गेम है, वो भी आपको खेल के दिखाएंगे। और ये है रोनित मेरा भाई, वो अपने फ्रेंड से ये लेके आए NBA और कॉल ऑफ ड्यूटी। तो आई एम नॉट श्योर PS4 की गेम PS5 में चलेगी या नहीं चलेगी, वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो ये बुकलेट है, पता नहीं बहुत सारी, कोको भी मेरे साथ अनबॉक्सिंग कर रही है। इंस्ट्रक्शंस, ये मैं साइड, हां ये इंस्ट्रक्शंस पैनल साइड करो। और इसका प्लग, ओके दिखाओ क्या है, ये शायद प्लग, ओके दिस इज, ओके द पावर, पावर केबल। तो ये है इसका कंट्रोलर, कोको दिखाओ, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लुक एंड फील इसकी बहुत ही बढ़िया है, वाओ। तो ये इसका स्टैंड है, हां राइट, तुम्हें कैसे पता, मुझे दिख गया था। ये क्या है, ओके दिस इज HDMI केबल, बहुत ही सॉलिड HDMI केबल है इसकी। ओके स्टैंड दिखाओ, ओके गाइस ये इसका स्टैंड है जहाँ पे हम प्लेस्टेशन 5 के कंसोल को रखेंगे। ओके और देखो, निकालो निकालो निकालो, इसके अंदर तो नहीं कुछ और, नहीं इसके अंदर, ओके इसको साइड करो, यहाँ रखो, चलो ये है मेन चीज़। आई थिंक यू हैव टू होल्ड नाउ, यस दबा पकड़, दबा पकड़, तो बहुत ही मुश्किल है निकालना, मेरा कड़ा अटक रहा है, आ गया, आएगा आएगा, चलो पकड़ो पकड़ो, डब्बा नीचे आ गया फाइनली, ओके ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी। ये है आई थिंक USB पोर्ट, टाइप सी केबल, और आई थिंक यहाँ से डिस्क डलेगी। ये HDMI है, ये पावर केबल है, ये फिर से दो USB स्लॉट दिए गए हैं यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसका गेम प्ले। आई होप आपको अनबॉक्सिंग मेरी अच्छी लगी होगी। आई नो ये अनबॉक्सिंग करने का कोई पॉइंट बनता नहीं क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले से ही इसको अनबॉक्सिंग करके अपने रिव्यूज़ वगैरह बता दिए होंगे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने TV के सामने और इसको जा रहा हूँ कनेक्ट करने। तो ये है इसका स्टैंड, आप मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला आप इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों रख सकते हैं, पर क्योंकि मैं अपने TV के हिसाब से अगर मैं इसको वर्टिकल रखूँगा तो मेरा TV की जगह घिर जाएगी और मुझे दिखाई नहीं देगा, तो बेटर होगा मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूँ। और हॉरिजॉन्टल रखने के लिए पहले मुझे स्टैंड को, बाय डिफॉल्ट स्टैंड ऐसे होता है, एक मिनट रुकिए आपको दिखाता हूँ, ऐसे, तो दिस इज फॉर वर्टिकल पोजिशन। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रखना तो आपको ये वाला स्टैंड को इधर घुमाना पड़ेगा, ओके। तो घुमाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्वायर बने हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये वाली पोजीशन इसकी आएगी ये वाले स्क्वायर पे और ये वाली पोजीशन आएगी इसकी ये वाले स्क्वायर पे, और ये जाके हो जाएगा कनेक्ट।
तो गाइज मैंने अपना स्टैनफोर्ड कर लिया है, प्ले स्टेशन इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन और यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया पावर कॉर्ड, HDMI केबल और बाकी आई थिंक किसी की जरूरत नहीं है अभी। और नीचे आई थिंक देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस, तो इसको हम टर्न करते हैं, आराम से टर्न भी हो गया है, तो यही फायदा है स्टैंड का। तो गाइस करते हैं हम अपने PS5 को ऑन। तो ये है इसका पावर बटन और ये है इसका डिस्क निकालने का बटन। और गाइस मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने फ्रेंड से सीडी लेके आया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया PS4 की जो CDs हैं वो चलती हैं PS5 के अंदर, तो मैं उनसे लेके आया हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स, द लास्ट ऑफ अस, डिट्रॉयट और ये है ग्रैंड टूरिज्मो, NBA इसमें नहीं है, इसमें फुटबॉल है और ये है GTA 5, तो हम खेलेंगे GTA 5। तो पहले करते हैं PS5 को ऑन और अपने टीवी में लगाते हैं HDMI और आई थिंक मैं आपको लाइट बंद करके दिखाऊंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सो दिस इज आस्किंग मी टू प्रेस द प्ले स्टेशन बटन जो कि ये है। और गाइस मैंने प्रोफाइल पहले से बनाई नहीं है तो मैं उस प्रोफाइल को लोड करता हूँ, मुझे प्रेस करना है एक्स। ओके तो गाइस मैं GTA 5 से पहले से खेल रहा था। तो गाइस GTA 5 खेलने के लिए पहले आपको अपनी डिस्क डालनी पड़ेगी, डिस्क डालने के बाद गेम जो है यहाँ पे इंस्टॉल होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिस्क नहीं चाहिए होगी खेलते वक्त, आपको डिस्क हमेशा चाहिए होगी खेलते वक्त। तो मैंने यहाँ पे अपनी गेम जो है GTA 5 जैसे कि आप देखते हैं वो मैंने इंस्टॉल कर ली है और मैंने और भी बहुत सारी गेम्स इंस्टॉल कर ली है, जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट PlayStation 5 की गेम है विच इज अमेजिंग, अगर आप खेलोगे तो आपको मजा आएगा। मैंने PUBG भी डाउनलोड करी थी, उसके बाद मैंने करी है कॉल ऑफ ड्यूटी जो मेरे पास CD पड़ी है और डिट्रॉइट, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस गेम, ग्रैंड टूरिज्मो और हम इसको डालेंगे डिस्क को इसके अंदर। तो करते हैं इसको ऑन। ओके तो गेम इज स्टार्टिंग। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है GTA 5 का गेम प्ले, क्या ग्राफिक्स है दोस्तों, मजा ही आ रहा है और इसका रिमोट कंट्रोलर बहुत ही सही है, इतनी सारी मोटर लगी हुई है, वाइब्रेशन वगैरह गन चलाने में, गाड़ी चलाने में, गाड़ी को एक्सीडेंट करने में, अमेजिंग इट इज। तो गाइस अब मैं गाड़ी चला के दिखा दें आपको। आई एम नॉट प्रो गाइस पर फिर भी आई एम ट्राइंग, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने GoPro पकड़ा हुआ है और गाड़ी ठुक गई। ओके तो गाइस कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा इसका ग्राफिक्स, ग्राफिक्स बहुत ही सॉलिड है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब खतरनाक एडिक्शन है मैं तो ये कहूँगा, मतलब आप लगे रहो खेलते रहो, 2-3 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो गाड़ी हम अभी गाड़ी चेंज करते हैं, ये ज़्यादा अच्छी थी जो ठोकी है इसने आई थिंक, वेट। PS5 की ही गेम है और दिस गेम इज अमेजिंग, मतलब बच्चों की गेम है पर क्या क्या चीज़ें इसमें आपको करने को मिलेंगी, अलग अलग टास्क, अलग अलग मिशंस, और जब आप खेलोगे इसको कंट्रोलर के साथ तो आपको अलग ही फील आएगा, मतलब बहुत सही। तो गाइस मैं आपको ये भी थोड़ा सा खेल के दिखाता हूँ और आप बताना आपको कैसी लगी ये गेम। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा रिमोट है, अगर मैं इसको राइट कर तो देखो राइट पूरा हिल रहा है, ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा ये आगे गया, ये पीछे का, मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे ये दबाना होगा एक्स बटन। तो गाइस गेम स्टार्ट हो गई, तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस मैंने GTA 5 खेल ली थोड़ी बहुत जो आपको मैंने गेम पे दिखाया है इसका, इसके बाद मैं आपको खेल के दिखाता हूँ FIFA 17 है, देखते हैं FIFA भाई। और गाइस ये कॉपी होना शुरू हो गया है, 0% नाउ, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ इसके और फंक्शंस, मीडिया। हाँ तो गाइस एक और अच्छी चीज़ है इसमें, प्ले स्टेशन में आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब,
प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, बहुत सारी एप्लीकेशन, इट्स लाइक अ प्ले स्टोर, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे डाउनलोड करो जो भी आपको देखना है, ट्विच वगैरह सब कुछ है। और जैसे मैं आपको यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ गाइस, जैसे ये रहा यूट्यूब, इसको ओपन किया, स्टार्ट। गाइस पुष्पा बहुत अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच, मतलब अमेजिंग मूवी, अमेजिंग एक्टिंग। ओके गाइस, तो फीफा हो गई है इंस्टॉल एंड नाउ इट्स सेज टू प्ले द गेम। कॉपी का ऑप्शन हट गया तो मैं एक्स दबाऊंगा। क्या ग्राफिक्स हैं गाइस, मतलब आपको वीडियो में आई थिंक ग्राफिक्स में मजा नहीं आ रहा होगा, पर जैसे मैं सामने से देख रहा हूँ, अमेजिंग ग्राफिक्स, अमेजिंग। ये PS4 की गेम है, स्टिल ग्राफिक्स आर अमेजिंग। अगर आप PS5 की गेम्स खेलोगे तो आप कहोगे भाई नेक्स्ट लेवल है। आउटसाइड मार दी मैंने। तो गाइस एक चीज़ की कमी है इसमें, एक तो मुझे एक कंट्रोलर एक और लेना है, क्योंकि मैं अपने भाई या अपनी वाइफ के साथ अगर मुझे खेलना हो, बहन के साथ, किसी के साथ भी, तो मुझे एक और कंट्रोलर की ज़रूरत है अगर मुझे ऐसी गेम्स खेलनी है। तो अगर मुझे कोई आर्केड गेम्स या कोई रेसिंग गेम या कुछ भी खेलना हो तो आई थिंक इसकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं ये बहुत जल्द दूंगा। क्रोमा मैन मैंने पता किया था, तो आई एम गेटिंग दिस फॉर 6,000 rupees। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।